हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिश न्यूज चैनल पर। यदि आप डीडी फ्रीडिश के एक एमपैक 2 यूजर्स हैं, आपके पास एक एमपीजी 2 सेटअप बॉक्स है DVB-S जिस पर लिखा हो, अगर वह यूज कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने चैनल्स हमें डीडी फ्रीडिश के प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी पर। यानी अगर आपने टोटल फ्रिक्वेंसी जान ली, उनको ऐड करना सीख लिया और उनको स्कैन कर दिया, तो आपके डीडी फ्रीडिश के सेटअप बॉक्स में सभी चैनल्स आ जाएंगे। फ्री टू एयर कितने भी चैनल्स हों, वो सभी के सभी आज हम आपको लाकर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी गई सभी प्रकार की फ्री टू एयर चैनल से रिगार्डिंग अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। डीडी फ्रीडिश के चैनल्स की फ्रिक्वेंसी को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले हम इन चैनल्स को, जितने भी ये चैनल्स हैं, इनको उड़ा देते हैं। यहाँ से एडिट प्रोग्राम में जाएंगे और डिलीट ऑल प्रोग्राम कर देंगे। तो हमने यहाँ पर सभी टीवी प्रोग्राम्स को डिलीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है और आपके क्या उस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल है। अगर सिग्नल है तो आपके सभी चैनल आ जाएंगे, अगर सिग्नल नहीं है तो आपको सबसे पहले सिग्नल लाने का प्रयास करना होगा। हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। सबसे पहले तो आप मेन्यू का बटन प्रेस करके प्रोग्राम सेटअप में चले जाएं और यहाँ पर ऐड न्यू प्रोग्राम देखने को मिलेगा। ऐड न्यू प्रोग्राम में हम हर फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार आपको फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। सबसे पहले तो LNB फ्रीक्वेंसी आप देख लीजिए, LNB फ्रीक्वेंसी इस प्रकार डाल लेनी है। और उसके बाद ट्रांस फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी हमारी है 11090। डीडी फ्रीडिश की फ्रीक्वेंसी सबसे पहली यही है और इसके बाद सिंबल रेट रहेगा 29500 और उसके बाद पोलैरिटी को वी रखिए। सभी जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं उनमें पोलैरिटी वी रहेगी और सिंबल रेट 29500। अभी आप देख सकते हैं, अगर हम वी की जगह एच कर देंगे तो सिग्नल ख़त्म हो जाएंगे और वी करते ही सिग्नल आ जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। डाइसेक स्विच और 22K, इनको कुछ भी रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको ओके कर देंगे और चैनल आ जाएंगे। देख सकते हैं 18 चैनल आ चुके हैं। अब दोबारा फिर सेकेंड TP की बात करें, फटाफट कर देते हैं। दोबारा फिर ऐड न्यू प्रोग्राम में वहीं पर जाना है, वहीं पर आपको चेंज करना है, ट्रांस फ्रिक्वेंसी को चेंज करते रहना है। 111, अब हम रखेंगे 11170। देखिए सिग्नल आ चुके हैं, दूसरी फ्रिक्वेंसी पर भी सिग्नल आ गए। ओके कीजिए और 18 चैनल आ गए। दोबारा फिर प्रोग्राम सेटअप, ऐड न्यू प्रोग्राम और फ्रिक्वेंसी LNB फ्रिक्वेंसी सेम रखिए, ट्रांस फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दीजिए यहाँ पर 11470। देखिए अब 470 पर थोड़े से वीक सिग्नल हैं। ओके कीजिए, यहाँ पर भी हमारे 18 चैनल आ गए। अब दोबारा फिर ऐड न्यू प्रोग्राम, 57950, बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे, केवल ट्रांस फ्रिक्वेंसी को चेंज कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे 11510, तो ये हमारी हो गई फोर्थ ट्रांस फ्रिक्वेंसी। टोटल 10 फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। ओके कीजिए यहाँ पर भी और ओके करते ही हमें टोटल चैनल्स 20 मिल गए। तो ऐसे करते रहे। अब फिर दोबारा ट्रांस फ्रिक्वेंसी पर आ जाएंगे और अब की बार हम यहाँ पर लिख देंगे 11550, इसे भी ओके कर दीजिए। तो ये पांचवी फ्रिक्वेंसी हमारी ऐड हो चुकी है और यहाँ पर 20 चैनल मिल गए। तो अब हमारे पास 5 फ्रिक्वेंसी के चैनल आ चुके हैं। आपको 5 फ्रिक्वेंसी के एक बार चैनल दिखा दें, टोटल कितने चैनल हुए हैं। टोटल हुए हैं 94 होने के बाद अब हम छठी फ्रिक्वेंसी ऐड करने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, डीडी फ्रीडिश के प्लेटफॉर्म पर टोटल 6 फ्रिक्वेंसी हैं, जिनमें से एक फ्रिक्वेंसी MPEG-4 बॉक्स में ही चलेगी। MPEG-2 बॉक्स में आप उसको देख नहीं सकते, ना ही सिग्नल ला सकते हैं। लेकिन हम कुछ और फ्रिक्वेंसी के बारे में और बात करेंगे जिसमें आपको फ्री चैनल्स मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी फ्रिक्वेंसी की जिस पर डिश TV के तरफ से कुछ चैनल, GK रीजनल चैनल्स हैं, वो देखने को मिल जाते हैं। छठी फ्रिक्वेंसी होगी, टोटल 10 फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। छठी फ्रिक्वेंसी इस प्रकार ऐड कर लेनी है, यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल रेट को भी चेंज करना होगा। पहले ट्रांस फ्रिक्वेंसी को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ट्रांस फ्रिक्वेंसी डालनी है 11460। तो इस प्रकार करने के बाद अब सिंबल रेट भी चेंज कर दीजिए, यहाँ पर लिखिए 12500 और फिर पोलैरिटी को भी एच कर दीजिए, तो सिग्नल आ जाएंगे आपके। और ओके करते ही देखिए 9 चैनल हमारे और ऐड हो गए। अब टोटल चैनल हमारे देख सकते हैं कितने हो गए हैं, 103।
तो अब 103 की बजाय हमें और भी चैनल लाने हैं, तो किस प्रकार लाएंगे? मेन्यू का बटन प्रेस करके दोबारा फिर प्रोग्राम सेटअप में, ऐड न्यू प्रोग्राम में, और यहाँ पर LNB फ्रीक्वेंसी सेम रखिए और फिर ट्रांस फ्रीक्वेंसी चेंज कर दीजिए। ट्रांस फ्रीक्वेंसी में इस बार डाल दीजिए 11150 और उसके बाद सिंबल रेट में लिखिए 29500 और नीचे पोलैरिटी को एच रखिए। ओके करते ही आपके चैनल आ जाएंगे। अब देखते हैं 17 चैनल हमारे आ चुके हैं, एजुकेशनल चैनल हैं। दोबारा फिर हम ऐड न्यू प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना है, बस ट्रांस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाना है। अब ट्रांस फ्रीक्वेंसी है 11590 और फिर 29500 सिंबल रेट। यहाँ पर एक चीज़ रखनी पड़ेगी, पोलैरिटी को वी कर दीजिए। यहाँ पर सिग्नल आ गए और ओके करेंगे तो चैनल 17 चैनल आ चुके हैं। दोबारा फिर लास्ट फ्रीक्वेंसी है MPEG 2 की, जिसको हम डालेंगे यहाँ ट्रांस फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पर लिखेंगे 11670 और बाकी सेम रखिए, इसको नहीं चेंज करना। ओके कर दीजिए और फिर से हमारे 17 चैनल आ चुके हैं। तो टोटल चैनल्स की संख्या हो चुकी है आपके सामने 154। तो DD फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म पर आपको चैनल 154 ही देखने को मिलेंगे, बाकी MPEG 4 बॉक्स के चैनल हैं। अब MPEG 4 में किस प्रकार सेटिंग करेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए एक बार MPEG 4 बॉक्स की तरफ चलते हैं। अब हम DD फ्रीडिस की 10वीं फ्रीक्वेंसी MPEG 4 में जो हमें मिलती है उसको ऐड करेंगे और देखेंगे कितने चैनल्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मेन्यू बटन प्रेस करना है और सैटेलाइट लिस्ट में चले जाना है। आपको यहाँ पर देखना होगा सैटेलाइट में कहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। जैसे मेरे केस में येलो बटन प्रेस करूँगा तो TP लिस्ट आ जाएगी। TP लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे अब एक फ्रीक्वेंसी। अगर आपके बॉक्स में यह फ्रीक्वेंसी ऐड है 11630 वर्टिकल 30,000 11630 वर्टिकल 30,000, तो अगर यह फ्रीक्वेंसी ऐड है आप इसको स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। इसे हम स्कैन कर देते हैं और यहाँ पर कौन कौन से चैनल मिलेंगे देख सकते हैं। टोटल 22 चैनल हमें रिसीव हुए हैं। तो इस प्रकार आप अपने सेटअप बॉक्स में मैनुअली TP ऐड करके सभी चैनल्स को देख सकते हैं। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।